हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में समीर और रजत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार समीर की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो समीर ने रजत से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ, मैं अपनी उस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस लाता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब समीर अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय समीर बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब समीर ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि एक नाग मणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नाग मणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। समीर ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर समीर बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। समीर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है मुझे वो वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। समीर ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि समीर के पास नागमणि थी और वो तब तक समीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और समीर किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब समीर ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। तो सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम कशिश है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। समीर को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से समीर बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और समीर के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि समीर को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन समीर
मीर और कशिश यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर कशिश ने समीर से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो समीर ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब कशिश बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगी, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर समीर चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर कशिश एकदम से गुस्सा होकर बोली, समीर तुम तो कहते थे कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ज्यादा क्या मायने रखता है। दोस्तों फिर समीर ने न चाहते हुए भी वो आभूषण कशिश को दे दिया और कशिश को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। कशिश के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, कशिश का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो कशिश एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार समीर को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गाँव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गयी तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें दोस्तों, ताकि महादेव शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।